तो देखिए, जहां एक तरफ हिमाचल में अभी सीएम चेहरा तक कांग्रेस का क्लियर नहीं हो पाया है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बीजेपी के विधायक दल की बैठक तक हो गई। भूपेंद्र पटेल ने सरकार बनाने का वहां पर दावा पेश किया और भूपेंद्र पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता। शंकर चौधरी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, मुहर लगा दी गई, उन्हें नेता चुन लिया गया। गुरुवार को सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपना इस्तीफा सौंपा और 12 दिसंबर को अब नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में बकायदा शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी लगातार जुड़ी हुई है। ममता, हिमाचल में अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इधर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां 12 दिसंबर की पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई गुजरात में। जी बिल्कुल शिल्पा, यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित एक बड़ी पार्टी है विश्व की, और ऐसे में फैसले संगठन से लिए जाते हैं। और आपने देखा कि संसदीय दल की तरफ से 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जिसमें राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बी एस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी नियुक्ति हुई थी। और सुबह वो गुजरात पहुंचते हैं, 10 बजे का वक्त था जब विधायक दल की बैठक हुई। और शंकर, जो वरिष्ठ नेता है गुजरात बीजेपी में, उन्होंने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल के नाम पर विधायक दल के नेता के तौर पर मुहर लग गया है। और अब थोड़ी ही देर में भूपेंद्र पटेल राजभवन का रुख करेंगे, जहां पर सरकार बनाने को लेकर वो प्रस्ताव पेश करेंगे। और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीखों का आपको पता है कि 12 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो कहीं ना कहीं यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। मजबूत संगठन होने के नाते बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो संगठन से निर्देश होता है वैसा ही होता है, और जिसके भी नाम का प्रस्ताव हो वहां पर कोई हो हल्ला हंगामा नहीं होता, ना ही कार्यकर्ता इस तरीके से बवाल काटते हैं जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि शिल्पा, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए, अगर कुछ अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जब नेचर तो कमजोर पार्टी, तो कम से कम ममता कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से तो सीख सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी गलती ना करे, क्योंकि देखा जाए तो कुछ ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में बची है, और ऐसे में उनको अपनी गलतियों से जरूर सबक लेना चाहिए। और इसी बात का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सुक्कू की तरफ तो बहुत ज्यादा विधायक हैं, कुछ मार्जिन से प्रतिभा सिंह कहा जा सकता है कि कुछ विधायक उनके खेमे में कम है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ही यह तय करना है, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो बेहतर फैसले लेंगे, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री 40 सीटें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली है, इसके बावजूद नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तस्वीरें बिल्कुल साफ है, विधायक दल की बैठक हो गई, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंच जाएंगे जहां राज्यपाल के पास अपना प्रस्ताव भी पेश करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। और दूसरी ओर जनता हिमाचल प्रदेश के इंतजार कर रही है कि हिमाचल में कौन एक बार फिर से जनता की सेवा में गुजरात में सरकार पेश हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी इस पूरी